हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफिशियल आंसर की और ऑफिशियल जो आपका ऑब्जेक्शन से संबंधित जो न्यूज़ फ्लैश चल रहे हैं यूट्यूब पे, जो इसकी न्यूज़ आ रही है उसके हम संबंधित आपसे आज बात करने वाले हैं। तो फटाफट चलते शुरू कर देते हैं। तो यदि आप पैनल पर नया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले करा जाता है और आपको इससे अपडेट भी बताया जाएगा कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इसी न्यूज़ के बारे में, इसी न्यूज़ फ्लैश के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं और पूरा अपडेट बताने वाले हैं। तो ये न्यूज़ जो भी आपने देखा होगा या आपने सर्च की होगी यूट्यूब में, तो आपको मिला होगा कि अनेक सी वीडियो बनी हुई है कि आपका ऑब्जेक्शन शुरू हो चुका है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अभी ऑब्जेक्शन शुरू नहीं है, जैसे ही कोई ऑफिशियल इसका न्यूज़ आती है तो आपको बता दिया जाएगा। आप इसके चक्कर में ना पड़े, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस पे कैसे अपना जो ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन को इस पे आप कैसे दे पाएंगे। और ऑब्जेक्शन तब ना आया ना जब आपका पहले आंसर किया जाएगी। तो आंसर की कब आएगी, अब ये बात होती है दोस्तों कि आंसर की आएगी कब। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि आपकी जो आंसर की है वो बहुत जल्द भर्ती बोर्ड द्वारा आपको बहुत जल्द आपका जो आंसर की हो और जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब दोस्तों, आप जो न्यूज़ आपको मिल रही होगी ना यूट्यूब पे या फिर अदर कोई सोशल साइट पे, आप देख रहे होंगे कि भैया आपका जो आंसर की आ चुकी है, आप अपना ऑब्जेक्शन करिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी ऑब्जेक्शन नहीं है। आप देखिए, अब मेन में इसका भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे देखिए कहीं भी इसके न्यूज़ के अकॉर्डिंग कोई नई सूचना, न्यूज विज्ञप्ति नहीं दिखाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि भर्ती ने अभी रिलीज़ नहीं किया अपना जो उसका आंसर की है। तो जैसे आपका आंसर की रिलीज होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन के आपके ऑब्जेक्शन होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपके ये क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन है और आप ऐसे कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्शन को। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से लोगों की ये जानकारी हो सके और आपको भी ये जानकारी मिले। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपडेट पाते रहना चाहिए। और दोस्तों, न्यूज़ फ्लैश में आपको अनेक मिले होंगे, तो मैं इसमें जो न्यूज़ है लेटेस्ट न्यूज़ में आपको वो बता देता हूँ कि अभी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। तो आपने भी देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ है जो आपको लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं उसी के बारे में बताता हूँ। जो अभी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से संबंधित आपका जो ये लिंक दिया गया है, इसी संबंधित आपका जो न्यूज़ है मैं आपको बताता हूँ कि ये लेटेस्ट क्या है। अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक। तो इसका लिंक किस लिए है, किसको लिए है, मैं आपको दिखाता हूँ किसके लिए लिंक है। यदि आप जानना चाहें तो आप वीडियो को देखिए, वरना वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। इसमें देखिए, सूचना आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित अभिलेखों की समीक्षा, यानी कि जो आपकी जो परीक्षा संभावित थी इन दिनांकों में, यानी कि 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच, तो आपके संबंधित यानी जो लोगों के परीक्षा इस डेट के अंदर थे उनके लिए अब जो एडमिट कार्ड है वो दे दिए गए। एडमिट कार्ड किनका मिला है, जो शारीरिक मानक परीक्षा हेतु महिलाएं अर्ह थी, केवल महिलाओं के लिए, जो भी आपने देखा था कि थोड़ी सी कट ऑफ डाउन करके महिलाओं को बुलाया गया था, तो जो महिलाओं का ये कट ऑफ डाउन करके बुलाया गया था उन महिलाओं के लिए अब एडमिट कार्ड शो हो रहा है। तो अपना एडमिट कार्ड, वो महिलाएं एडमिट कार्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी महिलाएं इसके अंतर्गत आती हैं तो अपना यहां से अपना आकर के एडमिट कार्ड क्लिक कर लें, चूंकि उन्होंने अपना डीबी पोस्ट दे दिया है, उसके लिए अब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए उनको बुलाया जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले कराए जाते हैं। और साथ में आपको वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस और करंट अफेयर के टॉपिक से भी आपको वीडियो बना के आपको अवेलेबिलिटी कराई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ और आपको बताते हैं कि क्या अपडेट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।